कुछ यूं बेरुखी से जिंदगी ने देखा था हमें। हम सफर पर थे पर मंजिल का गुमान नहीं। दोस्तों, विभाजन किसी देश की भूमि का नहीं होता, विभाजन लोगों की भावनाओं का भी होता है। विभाजन का दर्द वो ही अच्छी तरह से जानते होंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको सहा है। बंटवारे के दौरान जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा, यह दर्द आज भी उन्हें सताता रहता है। भारत, पाकिस्तान, उत्तर दक्षिण कोरिया और जर्मनी का विभाजन आम लोगों के लिए काफी त्रासदीपूर्ण रहा। आजादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन का जहरीला घूंट पी लिया। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिल पाया दोस्तों, कि क्या भारत का बंटवारा इतना ही जरूरी था। आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से देश को दो टुकड़ों में बांटा गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन अर्थात भारत और पाकिस्तान विभाजन की वो कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो आपने अभी तक केवल किताबों में पढ़ी होगी। दोस्तों, मेरी इतिहास में रुचि काफी समय से थी, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का माध्यम नहीं मिला था। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन के माध्यम से भारत के ऐसे इतिहास को बताना चाहता हूँ, उस दर्द को बयां करना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने इंटरनेट पर पहले कभी हिंदी भाषा में नहीं सुना होगा। अगर मेरे इस वीडियो या फिर इतिहास के पन्नों को लेकर मेरी भाषा से संबंधित कोई त्रुटि रह जाए तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान के निर्माण की जड़ें 622 ईस्वी से ही पड़ गई थी, जिसे इतिहासकार J.N. दीक्षित ने अपनी किताबों में लिखा था। उन्होंने अपनी किताबों में बताया था कि 622 ईस्वी में पैगम्बर मोहम्मद की मक्का से लेकर मदीना तक यात्रा चल रही थी, तो उस दौरान उनको काफी उत्पीड़न सहना पड़ा था, जिसे उर्दू भाषा में हेजीरा कहते हैं। हेजीरा की मान्यता यह थी कि मुस्लिम धर्म का प्रभाव दूसरी धर्म पर नहीं पड़ने दिया जाए। वो अपना जीवन केवल अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए जिए। अब जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व नहीं था, उस क्षेत्र को दर उल हरब कहा जाता था और उसे अपने स्थान से हटाने की जरूरत थी। इसी धारणा के कारण जिन्ना के दिमाग में पाकिस्तान का विचार आया कि जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उस क्षेत्र को ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, ये तो उस समय की बात है जब मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, लेकिन समय के साथ मुस्लिम लोगों की संख्या विश्व के कई देशों में बढ़ती गई और बाद में कई विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से भारत में भी मुस्लिम आजादी शुरू हो गई, जिसकी संख्या लगातार मुस्लिम शासकों की वजह से बढ़ती गई। अब 1857 की क्रांति में मुस्लिम धर्म के जिहाद के कारण वो अंग्रेजों से लड़े। और आपको यह तो पता ही होगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति में मुस्लिम लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। उस समय मुस्लिम लोग अंग्रेजों को हरा कर एक बार फिर दर उल इस्लाम की स्थापना करना चाहते थे और अंग्रेजों को मुस्लिम लोगों से भय लगने लग गया था। अब 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेज मुस्लिम धर्म के लोगों से बिल्कुल नहीं उलझे। 1857 ईस्वी की क्रांति से पहले मुस्लिम लोगों का अंग्रेजों से द्वेष का कारण था कि उन्होंने 1843 ईस्वी में सिंध और 1856 ईस्वी में सिंध राज्य पर कब्जा कर लिया, जहां उस समय भारत की बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहा करती थी। उसके बाद अंग्रेजों ने मुगल राजा बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। उधर दक्षिण में दक्कन साम्राज्य में निजामों का राज्य था, जो एक मुस्लिम थे। इस तरह 1857 ईस्वी की क्रांति में मुस्लिम लोगों के क्रोध का अंग्रेज शिकार हुए थे, जिनके कारण उनको हार माननी पड़ी थी। अब वो इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत के मुस्लिम लोगों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया और मुस्लिम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार वह करने लगे थे। अब 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद हिंदुओं का प्रभुत्व थोड़ा बढ़ने लगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था। जब अंग्रेजों ने अपनी नीतियां लगाना शुरू कर दिया दोस्तों, और 1857 ईस्वी की क्रांति से पहले भारत की आधिकारिक भाषा फारसी हुआ करती थी, जिसे अंग्रेज ने खत्म करना चाहा। इसके लिए
लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में फैलाना शुरू कर दिया। जब हिंदुओं ने अंग्रेजी शिक्षा को आसानी से अपना लिया, लेकिन मुस्लिम लोगों ने उसे आसानी से नहीं अपनाया, तब मुस्लिम लोगों ने सोचा अगर हिंदू अंग्रेजी सीख जाएंगे तो उन्हें अंग्रेज राज में अपना शासन बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मुस्लिम लोगों ने भी आखिरकार अंग्रेजी भाषा को अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह अंग्रेजों ने फूट करो राज करो की नीति अपनाना शुरू कर दिया और जो हिंदू मुस्लिम वर्षों से एकता के साथ रह रहे थे उनमें मन मुटाव पैदा करना शुरू कर दिया। 1817 ईस्वी में हिंदू कांग्रेस की स्थापना हो गई थी जहां अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। इसलिए मुसलमानों ने अब आगे बढ़ने का प्रयास किया। 1866 ईस्वी में हुए लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मुस्लिम लोगों को अंग्रेजों की महत्ता का असली पता चला। अब इस बात को दादा भाई नौरा जी ने समझ लिया था कि मुस्लिम लोग केवल स्वार्थी हितों के लिए अंग्रेजी सीखना चाहते थे ताकि वो हिंदुओं का भारत में विकास ना होने दें। तब मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए सत्ता में आना जरूरी लग गया था। इसलिए इस नाजुक मोड़ पर 1870 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान दुनिया के सामने आए। उन्होंने मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच राजनीतिक मेल मिलाप बनाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजों से ये भी कहा कि मुसलमान राज्य के लिए अपने देश से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। अब उनके दिमाग में अपने ही देश में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे मुस्लिम कॉलेज बनाने की धारणा आई, जिसके फलस्वरूप 1877 ईस्वी में लॉर्ड लेटर ने अलीगढ़ में मोहम्मद एलंगो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी गई। सर सैयद की बेजोड़ कोशिशों की वजह से ही उनका समुदाय ऊपर उठा। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अपने भाषण में कहा था कि हिंदू और मुस्लिम न केवल दो राष्ट्र हैं, बल्कि दो जीवन मरण राष्ट्र हैं, जो कभी भी एक आम राजनीतिक जीवन का प्रभुत्व नहीं कर सकते हैं। भले अंग्रेज भारत छोड़ दें, मान लो अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, तो भारत पर राज कौन करेगा। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों राज करना चाहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। इसके लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय को हराना होगा। दोनों समुदाय का एक साथ रहना असंभव है। इनके इस भाषण को भारतीय इतिहास की पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। तब अंग्रेजों को सर सैयद अहमद खान के भाषणों से उनके इरादे पता चले तो उनको अब सही उत्तर मिल गया था। अब अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को अलग करने की नीतियां बनानी शुरू कर दी, जो आज भी आपको इतिहास की पुस्तकों में पढ़ने को मिल जाएगी। उनकी नीतियों में यह था कि मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच तो दोस्ती हो सकती है, लेकिन हिंदू और अंग्रेज कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। तब अंग्रेजों की नीतियों के कारण हिंदू मुस्लिम दंगों की शुरुआत होने लगी थी और 1885 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, जिसमें कई बेगुनाह मारे गए थे। इस दौरान 1885 ईस्वी में लाहौर और 1886 ईस्वी में दिल्ली, 1889 ईस्वी में अम्बाला और 1891 ईस्वी में तमिलनाडु में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। 1893 ईस्वी में हिंदुस्तान में दंगों का रुद्र रूप था और जिनमें 6 दिनों तक मुंबई और उत्तर प्रदेश में बम के धमाके गूंज रहे थे। दोस्तों, पिछले भाग में हमने आपको 1900 से पहले हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में और पाकिस्तान की अवधारणा के बारे में बताया था। इसी अंश को आगे बढ़ाते हुए हम सन 1900 के बाद की कहानी आपको बताते हैं। जब 1899 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का भारत में नया वायसराय लॉर्ड कर्जन भारत आया। लॉर्ड कर्जन बहुत ही प्रभावशाली और चालाक आदमी था। उसने सबसे पहले भारत में आकर भारत के लोगों का दिल जीतने के लिए भारत में पुरातात्विक संरक्षण का काम किया और उसके बाद उसने भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक उपखंड बंगाल को विभाजित किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को इस तरह विभाजित किया दोस्तों कि मुस्लिम प्रभुता पूर्वी बंगाल और असम में ही रहे और हिंदू प्रभुता वाले प्रदेश पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाले क्षेत्र में रहे। उस समय ये सभी प्रदेश बंगाल कहलाते थे। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को पता था कि अगर बंगाल को समुदाय के आधार पर
बांट दिया जाए तो उनकी फूट करो राज करो की नीति सफल हो जाएगी। इसी कारण बंगाल जो भारत का सबसे बड़ा उपखंड हुआ करता था उसे अंग्रेजों ने समुदाय के आधार पर विभाजित कर इसके टुकड़े कर दिए थे। अब पूर्वी बंगाल में रहने वाले अधिकतर हिंदुओं ने अपनी जमीनें मुस्लिम लोगों को बेच दी और पश्चिमी बंगाल में बस गए। तब 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था जिसमें भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जीजो बहिष्कार कर रहे थे। तब इस आंदोलन का फायदा उठाकर अंग्रेज हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहते थे लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अब उस समय सभी समुदाय के लोग एक ही नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम, जिसकी वजह से समुदाय के आधार पर भारतीयों को तोड़ पाना मुश्किल था। अब उस समय कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे अंग्रेजी छात्र वापस अपने गांव और शहर लौट आए थे। तब इन युवाओं ने मिलकर विभाजन पर राजनीतिक आक्रोश जताया और उन्होंने कई अंग्रेज अफसरों को मार डाला। तब उस समय मुख्य रूप से हिंदू बंगाल के विभाजन का विरोध कर रहे थे ताकि हिंदू प्रभुता बढ़ा सकें। तब 1906 ईस्वी में नए वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के लिए पूछा। तब इसी आधार पर ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन विवादों के कारण वापस इंग्लैंड चला गया था लेकिन वो बंगाल विभाजन तो करके गया था। अब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की पहली बैठक शाहबाग में रखी जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों को राजनीति की शक्ति में लाना था। मुस्लिम लीग की शुरुआत में कांग्रेस का सहयोगी दल माना जाता था जो बराबर रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था लेकिन मुस्लिम लीग की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अब मुस्लिम लीग के मुख्य नेता मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की थी और उसी समय अंग्रेजों ने उनके मन में विभाजन के बीज बो दिए थे। तब सन 1900 के बाद जिन्ना भारत आ गए थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की थी। उस समय उनके लिए हिंदू मुस्लिम विवाद करना उचित नहीं था इसलिए वो सदैव हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। अब वो कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता थे और साथ साथ अपने कानून की तैयारी भी कर रहे थे। तब कुछ वर्षों तक काम करने के बाद जिन्ना को कांग्रेस की नीतियाँ मुस्लिम विरोधी लग रही थी इसलिए उन्होंने अपना ध्यान मुस्लिम लीग की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1916 ईस्वी में विवादों के चलते जिन्ना कांग्रेस से अलग हो गए और उन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग को पता था कि जिन्ना ने कांग्रेस में रहकर राजनीतिक गुण सीख लिए हैं इसलिए उन्होंने उन्हें अध्यक्ष बना लिया। तब 1916 ईस्वी में हुए अखिल भारतीय होम रूल लीग में जिन्ना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। अब अंग्रेजों ने भी जिन्ना को अपना मोहरा बनाना शुरू कर दिया था और ये समझ गए थे कि ये आदमी उनके मंसूबों को पूरा कर सकता है। तब अंग्रेजों ने हर अंग्रेजी समाचार के मुख्य पृष्ठ पर उनकी राजनीतिक गतिविधियां डालकर उन्हें हीरो बना दिया था। तब 1937 ईस्वी में वीर सावरकर ने भी हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्रों की बात की थी। अब मोहम्मद अली जिन्ना भी वापिस सक्रिय हो गए थे और उन्होंने अपने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की बात करने का सही मौका मिल गया था। तब जिन्ना 1940 ईस्वी में एक सभा में कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं बल्कि एक राष्ट्र हैं। जिस जिन्ना को गोपाल कृष्ण गोखले हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते थे वही जिन्ना आज समुदाय के आधार पर एक अलग राष्ट्र की बात करने लगे थे। धीरे धीरे वो खुलकर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे थे और भारत के मुसलमानों को अलग राष्ट्र के लिए भड़काने भी लगे थे। उस समय भारत के 90% से भी ज्यादा मुस्लिम विभाजन नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने 10% मुसलमानों से अपना अभियान शुरू कर दिया था। तब 16 अगस्त 1946 ईस्वी को उन्होंने स्पष्ट रूप से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। अब उस दिन काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग कलकत्ता में एकत्रित हुए थे और उसी शाम को हिंदुओं ने मुस्लिम समुदाय पर आक्रमण बोल दिया और पर्चे फेंक कर पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो गए और कलकत्ता में भारी नरसंहार शुरू हो गया था। 3 दिनों तक हिंदू मुस्लिम दंगों में 4000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोगों के घर जला दिए गए थे। वैसे तो हिंदू मुस्लिम दंगे पहले भी हुए थे लेकिन पहली बार पाकिस्तान की मांग को लेकर इतने बड़े दंगे हुए थे। इन दंगों में कई घर तबाह कर दिए गए थे, औरतों की इज्जत लूट ली गई थी और बच्चों
पर अत्याचार किया गया था। अंग्रेज उस समय बस तमाशा देख रहे थे, क्योंकि वे हिंदू मुस्लिम के दंगे कराकर ही देश का विभाजन करवा सकते थे। अब ये दंगे धीरे धीरे बिहार तक फैल गए, जहां हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला कर दिया, और ये दंगे धीरे धीरे मार्च 1947 ईस्वी तक रावलपिंडी तक पहुंच गया था, जहां मुस्लिमों ने हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया था। अब बढ़ते दंगों को देख उस समय वल्लभ भाई पटेल पहले कांग्रेस नेता थे जिन्होंने विभाजन स्वीकार किया, क्योंकि वो दंगों में और ज्यादा मौतें नहीं देख पा रहे थे। उधर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बयान से जिन्ना की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि केवल जिन्ना ही एकमात्र ऐसा आदमी है जो इन दंगों को रोक सकता है, तब गांधी जी भी सक्रिय हुए और बंगाल के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर शांति की अपील करने लगे थे। और उस समय गांधी जी की वजह से बंगाल में तो दंगे थम गए थे, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में दंगों को वो नहीं रोक पाए थे। उस समय तक गांधी जी भी पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। अब वो इस मुद्दे पर जिन्ना से बात करना चाहते थे, इसलिए एक दिन गांधी जी को जिन्ना ने बुलाया और पूछा, तुम पाकिस्तान की मांग क्यों कर रहे हो? जिन्ना ने कहा, मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। गांधी जी ने कहा, अगर प्रधानमंत्री बनना ही तुम्हारी इच्छा है तो तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन देश के टुकड़े मत होने दो। अब जिन्ना उस समय तो गांधी जी की बात मान गए कि अगर वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाएं तो उन्हें पाकिस्तान की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब गांधी जी प्रधानमंत्री के दावेदार जवाहरलाल नेहरू के पास गए और उनसे प्रधानमंत्री पद का त्याग कर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। जवाहरलाल नेहरू को भी सत्ता का लोभ था, क्योंकि वे अपने इतने वर्षों की मेहनत को एक पल में ही नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने बयान दिया कि जिन्ना को प्रधानमंत्री तो क्या, वे अपने मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह नहीं देंगे। अब जब जिन्ना को ये बात पता चली तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। जवाहरलाल नेहरू की इस सबसे बड़ी भूल और सत्ता के लोभ की वजह से भारत ने विभाजन रोकने का पहला और अंतिम मौका गवा दिया था। इसके बाद जिन्ना कभी गांधी जी से मुलाकात करने नहीं आए। तो ये था दोस्तों भारत पाकिस्तान पार्टीशन कहानी का पहला भाग। यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए भारत पाकिस्तान विभाजन का दूसरा भाग हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे आपको इसके आगे की कहानी। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।